करते हैं आप सबका एक बार फिर से स्टडी टुगेदर लर्न बेटर के प्लेटफॉर्म पर। जैसे हमने आपको कहा था कि हम टर्म टू का वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे, तो उसी प्रॉमिस पर हम लेकर आए हैं आपके लिए टर्म टू डिस्कशन जितने चैप्टर हैं उनका इंडिविजुअली। और उसमें मैं लेकर आपके लिए आया हूँ हिस्ट्री का चैप्टर टू, जो कि आपका नेशनलिज्म इन इंडिया। ये हिस्ट्री का चैप्टर टू है, जो कि क्या नाम है इसका, नेशनलिज्म इन इंडिया। और इस चैप्टर में हम बेसिकली समझेंगे लोगों के अंदर देश बनाने के प्रति प्रेम कैसे बना। ठीक है, नेशनलिज्म शब्द का मतलब क्या होता है आप पहले ये समझिए। नेशनलिज्म जो शब्द है ना, नेशनलिज्म जो शब्द है, इसमें देखिए एक शब्द आ रहा है नेशन, एक शब्द आ रहा है इसमें क्या, नेशन। तो नेशन बनाने के प्रति जो प्यार होता है ना, मतलब नेशनहुड, ठीक है, नेशन बनाने के प्रति प्यार जो है आपका, उसी को कहते हैं हम नेशनलिज्म। ठीक है, तो ये नेशनलिज्म बनाने मतलब कि लोगों के अंदर आया और देश के प्रति, मतलब एक देश बनाने के प्रति उनको प्यार आया अंदर में। ठीक है, तो वो कैसे आया, मेजर मेजर इवेंट्स हुए इंडिया में, उसी इवेंट्स पर ये चैप्टर पूरा बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए इसी चैप्टर को अभी हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला इसमें आएगा एनसीईआरटी का ही हिसाब से चैप्टर हमारा चलेगा, और उसमें पहले हम देखेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, तो ये रहा आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था आपका, वो 1914 से लेकर 1919 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो थे बहुत सारे कंट्री पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें हम पर रूल करने वाला एक कंट्री जो कि क्या है, इंग्लैंड, वो भी पार्टिसिपेट किया था। और आप सबको पता होगा ये चीज़ कहीं ना कहीं, कि जब लोग लड़ाई झगड़ा में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका खर्चा ज़्यादा होता है, और खासकर बड़े बड़े वॉर में, जहाँ पर आपका जो ओपोनेंट है वो भी बहुत बड़ा पावरफुल आदमी है और वो भी बहुत खर्चा कर रहा है अपने आर्मी पर। तो उसी तरह ब्रिटेन के जो दुश्मन थे, मतलब कि जो इंग्लैंड के दुश्मन थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो लोगों भी बहुत पावरफुल थे, मतलब कि खर्चा कर रहे थे अपने आर्मी पर, तो ब्रिटेन को भी एक खर्चा करना पड़ा अपने आर्मी में। तो क्या हुआ, इस कारण इसका जो बजट था, इसका जो बजट था किसका, इंग्लैंड का जो बजट था, वो पूरा आउट ऑफ बजट हो गया, मतलब कि हिल गया उनका पूरा बजट, अगर मैं इस तरह कहूं तो। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, तो हमको इंडिया में कुछ नए इकोनॉमिक पॉलिसीज देखने को मिले। तो क्या देखने को मिले, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हमको ये देखने को इंडिया में मिला, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इंडिया में देखने को मिले, जिसका मतलब है कि यहां पर नया नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया। टैक्स सिस्टम पहले से ही चल रहा था यहां पर, लेकिन अब उसके बाद फिर एक नया टैक्स सिस्टम यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो देखिए क्या क्या था वो टैक्स सिस्टम, अभी यहां पर हम इन पॉइंट्स में इनको डिस्कस करते हैं। जैसे बता रहा पहला पॉइंट, कस्टम ड्यूटीज रेज्ड। तो देखिए कस्टम ड्यूटीज का मतलब होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो लगने वाला टैक्स था उसको बढ़ा दिया गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब ऐसे समझ लीजिए आप, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब, एक्सपोर्ट मतलब जो हम सामान बाहर भेजते हैं, और इंपोर्ट का मतलब जो सामान हम मंगाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर जो लगने वाला टैक्स था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर जो लगने वाला टैक्स था उसको क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और उसके कारण क्या हुआ, जो लोगों का बजट था, इंडिया के जो मर्चेंट्स जो इसको एक्सपोर्ट करते थे, जो इंपोर्ट करते थे, उनका भी बजट यहां पर खराब हो गया। ठीक है, फिर दूसरा क्या आया, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किए। इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स मतलब एक ऐसा ग्रुप जो कि आपका इनकम पर टैक्स ले, आप कितना इनकम कर रहे हैं उस अनुसार आप पर टैक्स लगाए वो। ठीक है, तो अभी आप जानते ही होंगे इनकम टैक्स तो हमारे अभी इंडिया में चल ही रहा है। तो पहली बार वो इंट्रोड्यूस कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, आपके लिए ये भी एक नॉलेज का बात है। ठीक है, तो इनकम टैक्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया जो आपके इनकम पर टैक्स ले। ठीक है, अब फिर देखिए डिफेंस एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया, मतलब कि जब वॉर होता है तो आपको पता है खर्चा होता है, और जब खर्चा किस में करेगा, वो खर्चा करेगा अपना मशीन गन लाने में, मतलब गन या फिर आर्मर ये सब लाने में अपना ज़्यादा वो खर्चा करेगा। तो वही खर्चा को ये यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट बढ़ा दिया डिफेंस बजट अपना। डिफेंस बजट मतलब कि आर्मी पर लगने वाला जो खर्चा था वो उसका इंक्रीज हो गया। ठीक है, कैसे इंक्रीज हुआ, यहाँ से उसको कस्टम ड्यूटी से जो टैक्स मिलता था, फिर इनकम टैक्स से जो उसको मदद मिल रहा था, उसके कारण वो अपना बजट बढ़ा लिया युद्ध में लड़ने के लिए। ठीक है, प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स रेज्ड। आपको पता होगा फार्मर से प्राइस लेते थे ये लोगों ज़्यादा ज़्यादा, मतलब कि फार्मर्स को कम पैसा देकर उससे फूड ग्रेन्स ज़्यादा लेते थे, लेकिन अब क्या किए, वो फूड ग्रेन्स दुगुना तिगुना कर दिए। मान लीजिए पाँच रुपया एक कोई एक्स नाम का फार्मर है, उसको ये लोग पाँच रुपया देते थे पहले, वर्ल्ड वॉर के दौरान नहीं, वर्ल्ड वॉर के पहले का बात कर रहा हूँ मैं, पाँच रुपया देते थे और उससे 10 kg ग्रेन्स लेते थे फूड ग्रेन्स।
ठीक है, 10 kg फूड ग्रेन्स लेते थे, लेकिन अभी वही एक्स आदमी वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हो रहा है, वो उसी को 5 रुपया ही दे रहे हैं, लेकिन ले कितना रहे हैं उससे, 15 kg के अराउंड, 15 to 20 kg के अराउंड वो लोग उससे ले ले रहे हैं सामान, मतलब समझ रहे, डबल हो जा रहा है इनकम, मतलब ये फूड ग्रेन्स को लूटने लगे। अब वहां पे क्या करते थे, यहां से लूट करके ले जाकर वो यूरोप में जहां पर उनका युद्ध चल रहा था वहां पर उनको आर्मी वालों को खिलाने में ये खर्चा करते थे, ठीक है। तो इंडियंस को ये सफर कराते थे वर्ल्ड वॉर के दौरान, ठीक है। फिर देखिए, रिक्रूटेड इंडियन विलेजर्स इन देयर आर्मी। अब देखिए, उनका जो फौज था, युद्ध में तो मरेंगे ही लोग, युद्ध होगा तो जो उनका फौज में जो लोग मर रहे थे ना, फिर यहाँ से जो कमी होता था उनका आर्मी में लोगों का, तब वो क्या करते थे, इंडिया से, इंडिया के विलेज से लोगों को लेकर के जाते थे। देखिए, इंडियन विलेजर्स को वो रिक्रूट करने लगे, रिक्रूट मतलब कि जॉब उनको देने लगे, कैसे, अपने आर्मी में लड़ने के लिए, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या क्या सीन था। सबसे पहला आपका कस्टम ड्यूटी बढ़ गया, फिर इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, थर्ड क्या हुआ, डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया, डिफेंस एक्सपेंडिचर मतलब डिफेंस का बजट, फूड ग्रेन्स का प्राइस बढ़ा दिया गया, ठीक है, और जो कि कोई नॉर्मल आदमी ना खरीद पाए, ब्रिटिश खुद खरीदे और कहाँ लेकर के जाए उसको, यूरोप लेकर के जाए और अपने आर्मी पर उसको खाना पीना खिलाने में खर्चा करे, ठीक है। फिर इंडियन गवर्नमेंट मतलब इंडियन विलेजर्स से, इंडियन विलेजर्स को लेकर के जाने लगे और वहां पर उनको आर्मी में भर्ती करने लगे, ठीक है। तो ये आपका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। तो देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कुछ ये इमेज है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप सब, टैंक है, फिर आर्मी, देखिए यहाँ पर तोप उप सब दिख रहा होगा आपको, गन लेकर ये सब चल रहे हैं। तो इन्हीं को ही यूरोप ले जाकर वहाँ पर उनको खाना उना खिलाते थे और ये लोग वहाँ उनके लिए लड़ते थे। इसमें बहुत सारे इंडियंस भी हैं, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे इंडियंस भी लड़े हैं इनके लिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, तो अब देखिए आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो देखिए, सत्याग्रह का आइडिया पहली बार इंडिया में कहाँ से आया, यहीं से नेशनलिज्म का प्रमोट होना चालू हुआ, यहीं से नेशनलिज्म जो आप शब्द पढ़े, नेशनलिज्म जो था शब्द, अब यहीं से नेशनलिज्म का भावना चालू हुआ लोगों के अंदर। कैसे, देखिए, गांधी जी इज मेथड ऑफ प्रोटेस्ट बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस कॉल्ड एज सत्याग्रह। पहले तो आप सत्याग्रह का मतलब समझ लीजिए, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए हरदम हिंसा करकर, मतलब सॉरी अहिंसा करकर आगे बढ़ना, मतलब कि जो सच है उसके लिए हमको लड़ना चाहिए, वो भी कैसा, बिना गन, बिना कोई लाठी, किसी चीज के बिना, ठीक है, हमको सिर्फ बैठकर अनशन कर मुंह से लड़ना चाहिए, ना कि हाथ पांव से। ये किसका मेथड था, गांधी जी का मेथड था, और इसी को ही नाम दिया गया था सत्याग्रह, मतलब कि सच के लिए लड़ना, ठीक है। और ये मेथड बहुत फेमस हुआ पूरे वर्ल्ड में, जिस कारण गांधी जी को पूरा दुनिया जानने लगा था, ठीक है। तो इनका पहला सत्याग्रह कहाँ पर, मतलब कि नेशन बिल्डिंग पहली बार, जो सबसे पहली बार दिखा, वो सबसे पहली बार गांधी जी की तरफ से दिखा था, और उससे पहले भी बहुत आए थे, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन इस दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो आपका नेशनलिज्म इन इंडिया इस चैप्टर पर जो हम पढ़ेंगे, यहाँ पर गांधी जी के बारे में से शुरुआत होगा, मतलब गांधी जी से सारा टॉपिक शुरुआत हो रहा है यहाँ पर। और गांधी जी का जो सत्याग्रह मूवमेंट था पहली बार कहाँ पर हुआ था, 1917 में हुआ था, 1917 में कहाँ पर पहली बार हुआ था, बिहार के चंपारण में। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, आपका भी कोई एरिया का डिस्ट्रिक्ट होगा, वही है, मतलब बिहार में भी उसी तरह एक डिस्ट्रिक्ट था चंपारण, वहीं पर शुरुआत हुआ पहला इनका सत्याग्रह, ठीक है। वो भी किसके खिलाफ हुआ था, दिस मूवमेंट वॉज अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। आपको पता होगा, पहले भी आप पढ़ चुके हैं इंडिगो खेती के बारे में, इंडिगो मतलब कि नील का खेती, वो जो कपड़ा सुखाने में नील, मतलब कि कपड़ा वाला नील जो काम आता है आपका, वो कपड़ा में कलर डालने के लिए भी काम आता था, ठीक है। इसका बहुत बड़ा मार्केट था इंडिया में, इसका बहुत बड़ा मार्केट था इंडिया में। ये इंडिगो का खेती के खिलाफ गांधी जी चंपारण में जाकर सबसे पहला मूवमेंट किए थे, ठीक है। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि गांधी जी का सबसे पहला मूवमेंट कहाँ हुआ था, तो बिहार के चंपारण में हुआ था, और कब हुआ था, 1917 में हुआ था, ठीक है। और उसी ईयर 1917 में फिर से गांधी जी एक और मूवमेंट किए, जो कहाँ पर था, खेड़ा। खेड़ा कहाँ पर है, गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर वो क्या किए,
पीपल्स को फूड शॉर्टेज के खिलाफ, मतलब कि ब्रिटिश क्या कर रहा था, लोगों से छीन ले रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो मैं आपको बताया, और वहां पे क्या हो रहा था, लोगों को फूड शॉर्टेज हो रहा था। और उस टाइम आया, पता होगा, प्लेग का महामारी आया था। प्लेग एक बीमारी है जो चूहों से फैलता था, ठीक है, उसका भी महामारी फैला था। और इस कारण क्या हुआ था, खेत उत सब बर्बाद हो गया था, उसमें आपका जो खेत उत था सब बर्बाद भी हो जा रहा था। और उसमें क्या हुआ, उनका क्रॉप फेलियर भी हुआ, साथ में जो क्रॉप उत्पन्न हुआ वो ब्रिटिश लेकर के चले गया, तो उनको फूड शॉर्टेज पड़ गया। और उसी के खिलाफ गांधी जी खेड़ा जा करके गुजरात में वहां पर एक मूवमेंट बनाए उसी ईयर 1917 में। तो 1917 में दो मूवमेंट हुआ, 1917 में दो मूवमेंट हुआ, एक बिहार में और दूसरा गुजरात में, ठीक है। और गुजरात में कहां पर, खेड़ा में, और बिहार में कहां पर, चंपारण में। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा है आपको, ये सब 1917 का ही इवेंट था, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या हुआ, उसी ईयर में, मतलब कि उसके जस्ट बाद वाले ईयर में 1918 में अहमदाबाद कॉटन मिल स्ट्राइक गांधी जी वहां पर ज्वाइन किए, ठीक है। जो कॉटन मिल जो अहमदाबाद में चल रहा था, वहां के जो जो क्या बोलते हैं लेबर्स जो थे, जो वहां के क्या थे लेबर्स जो थे, उनके लिए स्ट्राइक करने गांधी जी कहां गए, अहमदाबाद गए, ठीक है। तो देखिए, तीन तो सत्याग्रह मूवमेंट दिखा जो सत्य के लिए गांधी जी लड़ रहे थे। सबसे पहली बार 1917 में बिहार के चंपारण में, फिर उसी ईयर में 1917 में खेड़ा में, गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है खेड़ा, और फिर तीसरी बार कहाँ पे, वही गुजरात के 1918 में ही गुजरात में अहमदाबाद में कॉटन मिल स्ट्राइक देखने को मिला, जो गांधी जी का सबसे पहला क्या था, हंगर स्ट्राइक था, ठीक है। गांधी जी सबसे पहली बार हंगर स्ट्राइक, मतलब भूख हड़ताल जो हम कहते हैं, गांधी जी पहली बार इसी दौरान किए थे, ठीक है। तो मेरे को उम्मीद कर रहा हूं आपको ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह समझ आया होगा, पहली बार सत्याग्रह का आइडिया गांधी जी दिए थे, ये याद रखिएगा। तो देखिए, ये थे गांधी जी के पूरे फौज, मतलब कि गांधी जी के साथ जो लोग खड़े थे उनका ये पूरा फौज था, गांधी जी के साथ जो इतने लोग थे, ठीक है। ये सारे लोग गांधी जी के सपोर्ट में, कहीं ना कहीं इसमें गांधी जी भी हैं, दिख नहीं रहा है फोटो क्लियर, लेकिन यहाँ पर जो आपके सपोर्टर्स जो थे गांधी जी के, इतने सारे थे, ठीक है। अब देखिए, राउल्ट एक्ट, अब ये जो था ना एक्ट, ये इंडिया को पूरा ग्लोबली पहचान दे दिया। पहले के लोग जानते थे इंडिया को, लेकिन अब इंडिया को उतना मतलब इन्फ्लुएंशियल नहीं देख रहे थे 1857 का रिवोल्ट के बाद, ठीक है। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, राउल्ट एक्ट में लोग पूरे चार्ज हो गए। कैसे, देखिए, राउल्ट एक्ट एक पास हुआ ब्रिटिश, मतलब ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा, कब, 1919 में। और भी कौन पास किया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये इंग्लैंड से ही पास होकर के इंडिया आया, ठीक है। तो इस एक्ट में बेसिकली क्या था, मैं आपको हिंदी में समझाने का कोशिश करता हूं। राउल्ट एक्ट में क्या था, कोई भी आदमी अगर क्राइम करते हुए पकड़ाया गया तो बिना कोई ट्रेल का, ट्रेल मतलब क्या होता है, जैसे कोर्ट में आप देखे होंगे, बुलाते हैं एक तरफ दोषी को, एक तरफ बुलाते हैं सबूत को, फिर आपस में बाताबाती करते हैं, फिर उसके बाद कोर्ट के जो जज होते हैं वो बोलते हैं। तो यहां पर ये चीज नहीं हो रहा था, यहां पर क्या होता था, कोई भी अगर अनलॉफुल एक्टिविटी करता पकड़ा गया उसको सीधा भीतर डाल देंगे, कोई ट्रेल व्रेल नहीं होगा। तो ये चीज क्या था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ था, आप जो कह सके उसको रोक दे रहा था गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसी चीज के लिए गांधी जी यहां पर राउल्ट एक्ट के खिलाफ भी मूवमेंट किए थे। लेकिन उसको जानने से पहले जो मैं लिखा हूं थोड़ा उसको भी समझिए आप, दिस एक्ट रेस्ट्रिक्टेड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो मैं आपको बताया, लोगों को फ्रीडम, मतलब कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था उनका, उस पर ये रोक लगा दिया एक्ट, ठीक है, और दूसरे दूसरे फंडामेंटल राइट्स पर भी, ठीक है। और पुलिस का पावर को ये डबल कर दिया, मतलब पुलिस किसी को भी उठाएगा बिना कोर्ट ले जाए वो सीधा जेल लेकर के जाएगा, ठीक है, और पुलिस किसी को भी ऐसा कर सकता था, ठीक है। तो गांधी जी क्या किया, देन गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड मूवमेंट। गांधी जी पूरा देश भर में एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज करने का सोचे और हड़ताल चालू कर दिए। देखिए, जो टर्म है हड़ताल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कब पहली बार हड़ताल चालू किए, इस डेट को आप नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए, 6 अप्रैल, ठीक है। और इसी दिन गांधी जी हड़ताल चालू किए ये लॉ के खिलाफ, ठीक है। और फिर देखिए इसके बाद क्या हुआ, रैलीज पूरे देश भर में हुए, रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज इन मेनी प्लेसेस, ठीक है। लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, जो रैलीज को निकाले थे, मान लीजिए मैं जिस जगह पर हूँ यहाँ पर भी रैली निकला, और रैली निकलने के बाद जो यहाँ के लोकल लीडर थे जो उसको रैली को लीड कर रहे थे, गांधी जी तो हर जगह नहीं थे, तो जहाँ पर लोकल लीडर लीड कर रहे थे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। और
गांधी जी ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू एंटर दिल्ली। अब गांधी जी को भी रोक लगा दिया गया, दिल्ली आप घुस नहीं सकते। कौन लगाया ये रोक? आपको पता होगा, ब्रिटिशर्स खुद। ठीक है, अब देखिए यहां से पूरा ना सिनेरियो चेंज हो जाएगा। कैसे? देखिए, ये लॉ आया, लॉ आने के बाद सब गांधी जी हड़ताल किए, हड़ताल के बाद सारे लोकल लीडर्स को अरेस्ट किए, गांधी जी को दिल्ली जाने से रोक दिए। अब क्या हुआ, 10 अप्रैल का दिन आया, 6 अप्रैल को चालू हुआ था, अब आया कब, 10 अप्रैल का दिन, 4 दिन बाद, उसी ईयर 1919 का ही मैं बात कर रहा हूँ, और कोई ईयर का नहीं। फायर्ड ओपन ऑन पीसफुल प्रोसेशन इन अमृतसर। लोग पूरे शांति से भीड़ बना करके रोड पर चल रहे थे और उन्हीं के ऊपर फायरिंग करना, गोली दागना ब्रिटिश गवर्नमेंट चालू कर दिया। ठीक है, अब शांति वाले लोगों पर और मिलिट्री लॉ को इम्पोज कर दिया। ठीक है, मार्शियल लॉज भी कहा जाता है इसको, आपके एनसीईआरटी में मार्शियल लॉ लिखा हुआ है, ये जान लीजिए आप। मार्शियल लॉ, मार्शियल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री लॉ। यहां पर कोई भी फंडामेंटल राइट्स आपका, मतलब कि वहां पर रहता नहीं है, सिवाय राइट टू लाइफ का। आपको जीवन का अधिकार है, आप जिएंगे, आपको कोई बिना मतलब का मारेगा नहीं, लेकिन कोई भी आपका फंडामेंटल राइट वहां पर काम नहीं आएगा। ठीक है, और अब चार्ज दे दिया गया ये लॉ को, मतलब कि ये मिलिट्री लॉ को इम्पोज करने के बाद जनरल डायर को चार्ज दे दिया गया अमृतसर का। पूरा अमृतसर का चार्ज अब जनरल डायर के हाथ में था। अब जनरल डायर जो कहेंगे अमृतसर में वही होगा। ठीक है, आप मेरे ख्याल से आप लोग जनरल डायर का नाम पहले भी कहीं सुने होंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हुआ, फिर से मैं बता दूं, लॉ पास हुआ। ठीक है, सॉरी, लॉ पास हुआ आपका, पहले तो आपका लॉ पास हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कि पुलिस का पावर को बढ़ा दिया गया डायरेक्ट, बिना कोई ट्रेल का जेल भेजने लगे लोग को। ठीक है, फिर गांधी जी हड़ताल का ऑर्गेनाइज किया, कब, 6 अप्रैल को। ठीक है, फिर जो लोकल लीडर्स थे सबको अरेस्ट कर दिया गया, गांधी जी को दिल्ली घुसने से रोक दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 10 अप्रैल को एक नॉर्मल प्रोसेशन, मतलब कि लोग का भीड़ जा रहा था, उन पर क्या हो गया, फायरिंग हुआ। कहाँ पर था, हाँ, फायरिंग हुआ उनके ऊपर, और मिलिट्री लॉ को इम्पोज कर दिया गया अमृतसर में खुद, और अमृतसर में भी चार्ज किसको दे दिया गया, जनरल डायर को। अब यहाँ से आगे देखिए कहानी क्या होगा। देखिए, ये हैं जनरल डायर, ये हैं जनरल डायर जो कि विलन थे, और ये है अमृतसर का रोड, ये जो आपको दिख रहा है ये है अमृतसर का रोड। ठीक है, और ये अमृतसर का रोड बोलने का मतलब ये बाउंड्री है, इस तरह रास्ता था, पूरा फोटो था, मैं पूरा फोटो नहीं, इनका फोटो मिला मेरे को, मैं दोनों को अटैच कर दिया आपको दिखाने के लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, यहां से अब देखिए आया जालियानावाला बाग। अब यहां क्या हुआ, जनरल डायर के हाथ में चार्ज था। अब क्या हुआ, बैसाखी का मेला लगा था, बैसाखी जो फेयर होता है आपको पता होगा, बैसाखी का जो त्यौहार होता है, उस दिन मेला लगा था बैसाखी का, और वो दिन था 13 अप्रैल 1919 का, जो 6 अप्रैल को चालू हुआ, 10 अप्रैल को फायरिंग हुआ, और 13 अप्रैल का डे था। ठीक है, कुछ लोग वहां पर गैदर हुए थे, गैदर मतलब इकट्ठा हुए थे प्रोटेस्ट के बारे में बात करने के लिए, प्रोटेस्ट मतलब जो हड़ताल उनका चल रहा था उसके बारे में बात करने के लिए, और कुछ लोग जो थे वो बैसाखी फेयर घूमने आए थे, मतलब कि जो मेला लगा हुआ था वो मेला घूमने आए थे। ठीक है, और उन बेचारे लोगों को जो घूमने आए थे बैसाखी फेयर, उन बेचारे लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि लोग मार्शल लॉ लग चुका है, मार्शल लॉ मतलब कि मिलिट्री का लॉ वहां पर लग चुका है, मिलिट्री कानून। ठीक है, और क्या हुआ, जनरल डायर अचानक से सामने आए, अब जो फेयर चल रहा था उसी में जनरल डायर अचानक से सामने आए, और सामने का जो रास्ता था, मतलब कि जो निकलने का रास्ता था, एग्जिट पॉइंट था, उसको घेर लिए वो। ठीक है, और घेरने के बाद साथे साथ फायरिंग चालू कर दिए। ठीक है, यही है वो जनरल डायर जो फायरिंग किए थे, मैं जो आपको दिखाया, ये रास्ता घेर करके फायरिंग करना चालू कर दिए। अब वही थे जनरल डायर जो आपको फायरिंग करना वहां पर चालू कर दिए, और जो वो थे वो क्या किए, मेन गेट को घेर लिए, मतलब एग्जिट पॉइंट को घेर लिए वहां का, और वहां पर फायरिंग करना चालू कर दिए, जो मैं आपको बताया। और जो न्यूज़ था, मतलब कि पुलिस का और उनका न्यूज़ जो था पूरा देश भर में फैल गया, मतलब जो फायरिंग किए वहां पे तो लोग मरे ही होंगे। मैं आपको फोटो दिखाना चाहूंगा फायरिंग का, ये देखिए इस तरह सामने में, इस तरफ देखिए, इस तरफ ब्रिटिश आर्मी था, इस तरफ में ब्रिटिश आर्मी है, देख लीजिए। ठीक है, और यहां देखिए लोग मर रहे हैं,
दिख रहा होगा आपको सामने में, यहाँ पर लोग मर रहे हैं क्यों, तो इधर से फायरिंग चल रहा है इसलिए, और इन्हीं को लोग को घेर कर मार दिया गया, ठीक है। और ये चीज पूरा देश भर में फैल गया ऑल ऑफ सडन। देखिए यहाँ पर लिखा है एज द न्यूज स्प्रेड क्लैशेस वेयर बिगेन अगेंस्ट पुलिस, पूरा देश भर में फैल गया और पुलिस को, ब्रिटिश आर्मी का जो पुलिस था उनको दौड़ा दौड़ा के पूरा देश में मारा गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर, पूरा वेल नोन पर्सनैलिटी आप सब जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, उनको नाइटहुड का टाइटल मिला था, ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद दिया था, और वो टाइटल को वो क्या किए, रिटर्न कर दिए, ठीक है, रिटर्न हिज टाइटल नाइटहुड ड्यूरिंग दिस इंसिडेंट। इसी कारण वो अपना नाइटहुड का जो था उसको रिटर्न कर दिए वो, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट व्हेन ही सॉ वायलेंस। अब महात्मा गांधी क्या किए, जो वहां पर मूवमेंट जो चालू किए थे हड़ताल का, जो सत्याग्रह मूवमेंट था, वो जब वायलेंस हुआ, जब लोग पुलिस को कुदा कुदा कर मारने लगे, मतलब दौड़ा दौड़ा कर मारने लगे, तो वही मूवमेंट के दौरान क्या हुआ, गांधी जी उसको बंद कर दिए, ठीक है। वायलेंस देखकर गांधी जी पूरा मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिए, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा, राउल टैक्स से ही शुरुआत हो चुका था जालियांवाला बाग मैस्केयर का, ठीक है। तो अब ये देखिए जो इमेज में आपको दिखाया वही इमेज, और हमारा ये ला सेशन यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। आपको इस जो पीडीएफ जो था यहाँ पर स्क्रीन पर जो चल रहा था आपका, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप हमारे स्टडी टुगेदर का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आकर के आप ले जाएं इसका लिंक, मतलब कि पूरे पीडीएफ को, और आप अपने से पढ़ करके भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं उसी ग्रुप में, या फिर व्हाट्सएप का जो हमको आपको हम जो आपको दिए हैं लिंक उस पर भी आप, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, आप देखें हमारा वीडियो, इसी तरह प्यार देते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।